पिछले 20-22 साल से खेती कर रहा हूँ यहाँ पे, और गन्ने की हमारी यहाँ मेन फसल है, तो कई तरह की बीमारियाँ, टॉप बोरर वगैरह, कनसुआ हमारे यहाँ मेन बीमारियाँ हैं यहाँ की। कई तरह की हम लोग दवाइयाँ डालते थे, अच्छे रिजल्ट नहीं आते थे। कई बार दुकानदार को जो बोल दिया उसने दे देना था कि भाई आप ये ले जाओ, ये डाल दो, वो कर लो, ये कर लो। तो फिर कई जगह से हमें पता लगा कि भाई कोरोजन है, उसको डालो आप। डाला तो अच्छे रिजल्ट आए उसके, बहुत ज़्यादा है। इसी बीच हमें उसके रेट वाइज बहुत महंगा वो लग रहा था, तो हमने कालिया को डाला। कालिया के रिजल्ट उससे आधे भी नहीं है, सस्ती ज़रूर है, और लंबे टाइम कोरोजन डालने के बाद में हमें ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती बहुत ज़्यादा। हमारी फसल भी एक सार होती है पूरी। कालिया से पोरियां भी छोटी होती हैं, कोरोजन से पोरी लंबी होती है, प्रोडक्शन भी बढ़ा है हमारा काफ़ी। मतलब ये लगाओ कि 40-50% तो प्रोडक्शन बढ़ता है इससे। कोरोजन से वेट बढ़ा है, ग्रीनरी काफ़ी है, हरा है पूरा, पोरियाँ बढ़ी हुई हैं। जब से मैंने कोरोजन डालना शुरू किया, इससे पहले मेरा जो प्रोडक्शन था वो पर बीघा था 45 से 50 के करीब। अब मुझे 95 से 100 क्विंटल पर बीघा के हिसाब से आ रहा है, और ये कोरोजन से ही हुआ है। कालिया से हमें नहीं हो पाया इतना, कालिया से तो 30-35 ज़्यादा है, ज़्यादा कोरोजन से है 95-100 क्विंटल के करीब निकलता है। पूरा खेत एक सार होता है, ऊंचा नीचा भी नहीं होता, तो फायदा है कोरोजन से बहुत ज़्यादा। जो लोग कालिया यूज़ कर रहे वो इसे यूज़ ना करके कोरोजन को यूज़ करें, क्योंकि वो रिजल्ट आपके सामने होंगे, आपको रिजल्ट का आइडिया होगा, आप देख सकते हैं, एक बार में ही देख सकते हैं कितना अच्छा रिजल्ट है उसकी ग्रोथ, गन्ने का प्रोडक्शन, हाइट, ग्रीनरी, उसकी मोटाई गन्ने की, वो सारा कुछ है कोरोजन के डालने के बाद में। कालिया से ये रिजल्ट नहीं मिल पाए।